हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा हिंदू है सीरीज की दूसरी कॉमिक्स अपना भाई डोगा का पहला भाग। पूर्व कथानक डोगा हिंदू है में आपने पढ़ा कि सूरज के सामने एक स्कूल वैन दुर्घटनाग्रस्त होती है। घायल बच्चों को खून की जरूरत पड़ती है, मगर ब्लड बैंक इंचार्ज खून के दलालों से मिला हुआ है। वो बिना पैसों के खून नहीं देता। सूरज क्रोधित होकर इंचार्ज को सबक सिखाना चाहता है, मगर इस समय वो डोगा नहीं एक आम आदमी है। रात को वो डोगा के रूप में उन एजेंटों के हाथ पांव तोड़कर चला जाता है। खून के धंधे का चीफ ब्लड मैन आकर उनमें से 5 मुसलमानों को जान से मार देता है और अफवाह फैला देता है कि उन्हें डोगा ने मारा है। डोगा हिंदू है, उसने हिंदुओं को जिंदा छोड़ दिया। इस बात से सांप्रदायिक दंगा फैल जाता है। घायलों को रक्तदान के लिए अदरक व सूरज अस्पताल पहुंचाते हैं। सूरज देखता है कि अभी भी खून के एजेंटों का सिलसिला रुका नहीं है। वो डोगा बनकर इंचार्ज और दलालों को मारता है। डर कर इंचार्ज सबको खून देने की सहमति दे देता है, लेकिन ब्लड मैन यहाँ भी गहरी चाल चलता है। अब जरूरतमंद घायलों को खून दिया जाने लगता है, लेकिन तभी कुछ लोग खून के वितरण पर एतराज करते हैं। अब आगे, खून देने में भेदभाव क्यों कर रहे हो? क्या मतलब? सिर्फ अपनी जाति के लोगों को खून देकर तुम लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो? क्या हमारे लोग घायल नहीं हुए? क्या उन्हें खून नहीं चाहिए? चाचा, ये बात तो बहुत देर से हम भी देख रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे थे कि ऐसा संयोग से हो रहा है और हमारे नाते रिश्तेदारों को भी खून जल्दी ही मिलेगा। पर इंतहा हो गई हमारे बर्दाश्त की। सारा खून राम बस्ती के लोगों को ही मिल रहा है। रहीम बस्ती के लोग क्या यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे? मेरी समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें डोगा की शरारत है। उसी ने इंचार्ज को खून बांटने के लिए कहा है। इसी के कहने पर इंचार्ज खून देने में भी भेदभाव कर रहा है। तो चलो इस भेदभाव को मिटा देते हैं, खुद खून हासिल कर लेते हैं। यहाँ डोगा की नहीं चलने देंगे, अब सिर्फ हमारे आदमी को खून दे। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, खून पहले की तरह ही बटेगा। अगर किसी ने हमारे बीच में आने की कोशिश की तो खून बटेगा नहीं, बहेगा। ले लो, जितना खून चाहिए ले लो। डोगा की भेदभावगिरी नीति नहीं चलने देंगे। कोई बीच में आया तो काट देंगे। हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। खून डोगा के कायों अनुसार ही बटेगा। अदरक चाचा रक्तदान शिविर में थे। ये शोर कैसा मच रहा है सिस्टर? बाहर दंगा शुरू हो गया। लोग कहते हैं डोगा ने ब्लड बैंक के इंचार्ज को धमकाकर सिर्फ हिंदुओं को ही खून देने का आदेश दिया था। इसी बात से तनाव फैल गया। उफ, डोगा ऐसा नहीं कर सकता। घेर लो, मारो। डोगा ने जैसा कहा खून वैसे ही बटेगा। तुम लोग मेरी जिंदगी लेना चाहते हो तो ले लो, मगर मुझे रक्तदान करने दो ताकि मरते लोगों को जिंदगी मिल सके। अदरक चाचा ठीक कह रहे हैं बेटा। वैसे भी रक्तदान शिविर में उतने लोग नहीं आ रहे जितने रक्त की जरूरत है। क्या पता तुम्हारे ही किसी अजीज को इनके रक्त की जरूरत हो। तू रास्ते में मत आ डॉक्टर, हट पीछे, मारो मारो। नहीं, रुक जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता। ये लोग आपकी जान लेना चाहते थे और हम रुक जाएं? ऐसा नहीं हो सकता। अब यहां कत्लेआम होगा। गोली की जोरदार आवाज गूंगी। उफ, रुक जाओ। डोगा 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 आ गया हमारा भाई। आजा डोगा, हम सब मिलकर इनको सबक सिखा देंगे। तुम सबको सबक सिखाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। डोगा, तुझे वहम हुआ है, हम हिंदू हैं, तू हमें ही मार रहा है। डोगा सिर्फ जुर्म को मारता है, मुजरिम को मारता है। डोगा, तू यहां से चला जा बेटा, तेरे यहां रहने से दंगा और भड़क सकता है। दंगों का कसूरवार मुझे ठहराया जा रहा है तो कैसे जा सकता हूं मैं? देख, यहां जो लोग मारकाट मचाने आए थे वो बाहर भाग गए। वो लोग बाहर जाकर जरूर तेरे खिलाफ जहर उगलेंगे। तू संभाल नहीं पाएगा डोगा, तू जा यहां से। लेकिन चाचा, यहाँ पुलिस है, फोर्स है। अब तक वो अस्पताल के अंदर आ चुकी होगी। ये दौड़ते कदमों की आवाजें फोर्स के बूटों की हैं। फोर्स इधर ही आ रही है। तू जा डोगा, अभी तू जा। अपना ध्यान रखना चाचा, खुदा तुझे बुरी नजर से बचाए। क्या डोगा यहाँ आया था? हाँ आया था, ना आता तो यहाँ कई मारे जाते। अब चला गया है, लेकिन डोगा ने वैसा बिल्कुल भी नहीं कहा होगा जैसा कहा जा रहा है। ये कोई साजिश है डोगा के खिलाफ, उसके किसी दुश्मन की। एक सफल साजिश, क्योंकि अस्पताल से निकला दंगा इस पूरे इलाके में फैल गया। ब्लड मैन अभी तो शुरुआत है, दंगा तो अभी और भड़केगा। अब डोगा की निकल जाएगी सारी हेकड़ी। अब हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। हमारा खून का धंधा जोरों से चलेगा, क्योंकि हमारे पास ढेरों यूनिट खून भी होगा और लोगों को खून की जरूरत भी। डोगा सड़कों पर निकलेगा तो उसे पब्लिक भी मारेगी और फोर्स भी। पब्लिक डोगा की रेल बना देगी ब्लडमैन।
मोनिका और चीता सूरज के पास थे। डोगा को लेकर तनाव काफी बढ़ गया। सूरज, मेरे विचार में तुम्हें इस मामले को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। हाँ सूरज, तुम्हें खुद को दंगों से दूर रखना होगा। तुम्हारा काम अपराध को रोकना है। इस मसले को पुलिस को छोड़ दो, वो दंगे के कसूरवारों को पकड़ लेगी। सूरज का चेहरा विषाक्त हो उठा। और जो इल्जाम डोगा पर लगे उनका क्या होगा? उन्हें कौन धोएगा? जिसने इल्जाम लगाए उसे कौन धोएगा? क्या होगा, जातिवादी होने का कलंक साथ लेकर अपराध से लड़ पाएगा? क्या डोगा जातिवादी होने का कलंक साथ लेकर अपराध से लड़ पाएगा? कल अगर फिर डोगा किसी अपराधी को मारेगा तो क्या तब ये सवाल फिर से खड़ा नहीं होगा कि डोगा हिंदू है? और जब भी ये सवाल खड़ा होगा तो क्या डोगा की छाती फट नहीं जाएगी? क्योंकि डोगा एक अनाथ है, और एक अनाथ का कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता। एक अनाथ का धर्म सिर्फ और सिर्फ इंसानियत होता है, और उसी की रक्षा के लिए डोगा ने हथियार उठाए। अब ये मामला पुलिस फोर्स और डोगा के कारण पैदा हुए जातिवाद का नहीं है मोनिका चीता। अब यह मामला डोगा के वजूद से जुड़ गया है, और अपने वजूद की रक्षा डोगा खुद ये साबित करके करेगा कि डोगा हिंदू या मुस्लिम नहीं, डोगा अनाथ है। हाँ मोनिका, पुलिस या फोर्स सांप्रदायिक हिंसा को रोकेंगे, डोगा को कोई निर्दोष साबित नहीं करेगा। आज से पहले भी डोगा पर कई इल्जाम लगे हैं, तब खुद डोगा ने ही इल्जामों को धोया है। नहीं मोनिका, मैं इस मामले को अभी अपने से अलग नहीं कर सकता। बच्चों की स्कूल वैन का ड्राइवर राम सिंह स्मैक का आदि दुर्घटना में उसने गंवाई टांग। इस सारे घटनाक्रम की शुरुआत उसी ड्राइवर से हुई थी। डोगा तुम? ओ तुम हो वो, तुम तो वही ड्राइवर राम सिंह हो जिसके हाथ से उसकी कमाई ले उड़ी थी उचक्के, और मैंने उन उचक्कों से तुम्हारे रुपए वापस ला कर दिए थे। काश तेरा पैसा मैंने उचक्कों से बचाकर तुझे वापस ला कर ना दिया होता, तो उन रुपए से तू स्मैक ना खरीदता, और स्मैक के नशे में वो एक्सीडेंट भी ना करता, और इतना बड़ा फसाद भी ना खड़ा हुआ होता। डोगा मुझे माफ कर दो, कुदरत ने मुझे सजा दे दी है, मेरी एक टांग हमेशा के लिए छीन कर। इसकी जिम्मेदारी स्मैक है। बता कहाँ से लाया था तू वो जहर? स्मैक। बताता हूँ डोगा, बताता हूँ, क्योंकि मैं अकेला नहीं, और भी मेरे जैसे कई लोगों को तबाह कर रही है स्मैक। राम सिंह नाइट शेल्टर से शुरू हुआ। डोगा के लिए गटर के रास्ते नाइट शेल्टर तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। ओह, इन बदनसीबों को यह नहीं पता कि जन्नत की जिस कल्पना लोक में ये जी रहे हैं वो कुछ समय की देन है, और उसके बाद जीवन भर की यातना है। और ये क्या, ये लोग कौन है? इन्होंने अंदर रक्तदान का बैनर लगा दिया है, और ये क्या कर रहे हैं? नशे के परिलोक की कल्पना में खोए इन बेसुध पड़े नशेड़ियों में से रक्तदान ले रहे हैं बिना उनकी मर्जी के? ये चक्कर तो खून से जुड़ा हुआ लग रहा है। सूरज, मोनिका, चीता, अदरक इत्यादि दिन में ही अस्पताल पहुंच गए थे। घायलों के रिश्तेदार अस्पताल के बाहर परेशान होंगे। इनके भोजन पानी का इंतजाम किया है? पेट को खाना तो चाहिए ही। कुछ चादरों का इंतजाम भी किया ताकि रात में यहां रुके मरीजों के रिश्तेदारों को कोई तकलीफ ना हो। ये लोग गरीब तबके के हैं, और मुसीबत के मारे भी। अगली रात डोगा के कारण कई बस्तियां दंगों के नरक में जल रही हैं। स्मैक भाई, तुम तो स्वर्ग का द्वार हो, लाओ पुड़िया दे दो। रोकड़ा लाए हो? हाँ लाया है ना स्मैक भाई, सारा दिन मेहनत कर करके हाथ दुख गए, अब जन्नत में जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये रही तुम्हारी पुड़िया। स्मैक भाई के पास आने वालों की भीड़ थम नहीं रही थी। स्मैक भाई, आज ये हैड कोट क्यों पहन रखा है? अपने काम से काम रखो। स्मैकियों के चले जाने के बाद जैसे मैं अपने काम से काम रखता हूँ, और मुझे देखना है कि आज की रात क्या होता है। आज की रात भी वही सब हो रहा था। जल्दी करो, खून निकालना शुरू करो। पबिले, इसका कंबल हटा, खून लेने आए हो? डोगा, आह, ये क्या कर रहे हो? आह, अरे, आज इन पर स्मैक का असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आज इन्हें स्मैक डोगा ने बेची है, और उन पुड़ियाओं में सिर्फ धूल थी। तुम्हें स्मैक के नशे से बेसुध पड़े देखकर ये लोग तुम्हारा खून निकालने आए थे। ये सिलसिला शायद कई दिनों से चल रहा है। देखो देखो अपनी बाजुओं पर बनी सुइयों के ढेर सारे निशान। जब तुम लोग स्मैक पीकर जन्नत में चले जाते हो तो ये लोग आकर तुम्हारा खून निकाल लेते हैं, और हम समझते थे कि परियां हमारे साथ खेल रही हैं। भागो, मारो इन खून चोरों को। अरे रुको, मुझे इनसे पूछने दो कि ये खून कहाँ ले जाते थे, और कौन कौन लोग शामिल है इस धंधे में। उफ, कोई सुन नहीं रहा। पर ये सारा गंदा खून अस्पतालों में ही पहुंचता होगा। इन खून बेचने वाले नरपिशाचों ने इंसानियत को भी बेच डाला है। ये लोग किसी रहम के काबिल नहीं। इन जैसे लोगों ने ही डोगा को बदनाम किया है। डोगा तो बचपन से ही अनाथ था, उसे तो खुद नहीं पता कि उसका मजहब क्या है। जब से होश संभाला बस इंसानियत का ही मजहब देखा।
और मेरे इस धर्म को जिसने मिटाने की कोशिश की है, मैंने उसे मिटा दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपना भाई डोगा के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।